तो गाइस अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। के एल सी ई एच टी एंड पी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी का एक टाइप बताया था, ये उसका और हायर टाइप है। ठीक है, ध्यान से समझेगा, हमें क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करना है। तो कितने लोग हैं, पहले तो वो क्या एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये है अपनी सर्कुलर टेबल, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, वो जो फेस है उनका सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ मुंह करके वो देख रहे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोगों को हमें अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग हो गए। अभी यहाँ पर 8वां नहीं है, इसलिए भले यहाँ पर कोई गैप डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, उसमें 7 लोग हमें टेबल पर बिठाना है। ठीक है, नॉर्मली इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, पर ये एक रफ है इसलिए हम थोड़ा सा जो डिस्टेंस यहाँ का और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो इसको हमें इतना माइंड नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टी इज थर्ड टू राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में टी है। ठीक है, तो पहले हम इस पूरी में सर्कल में एच को कहीं पर बिठा लेते हैं। इसका राइट क्या होगा, ये होगा, तो टी है थर्ड में, 1 2 3 मतलब थर्ड पोजीशन पर टी है। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, एल इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पी। अब एल और पी इस पूरी में, एल और पी अभी कहीं पर भी नहीं, हम इस पॉइंट को फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच का एच के जस्ट राइट में पी है। ठीक है, तो ये एच है, इसका जस्ट राइट मतलब इमीडिएट राइट, जस्ट पास में क्या है, पी है। ये राइट हैंड साइड हो गया एच का, तो यहां पर हमने पी को लगा दिया, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम वापस सेकेंड वाले पर आते, क्योंकि अब यहां पर हमारे पास पी आ चुका है। एल इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में एल है, फोर्थ लेफ्ट में एल है, तो पी इधर है, लेफ्ट इस तरफ होता है, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में क्या है, एल है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से सी इज फोर्थ राइट ऑफ ई, अभी यहां पर ई और सी कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का टी के जस्ट पास में ई नहीं आना चाहिए, ये टी है, इसके जस्ट पास में एल तो दे ही रखा है, यहां पर जगह खाली पर, यहां पर क्या है, ई नहीं आना चाहिए, तो ई हम यहां पर नहीं लिखेंगे, मतलब हमारे पास ये दो पोजीशंस होती है। ठीक है, अब इन पोजीशन में हम कहां पर देखेंगे उसको समझते हैं, तो उसके लिए हम फिर से इस वाले पॉइंट पर आएंगे, सी इज फोर्थ राइट ऑफ ई, ई के राइट में सी है। ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं, मान लो कि ई इधर है, ई के फोर्थ राइट में सी होना चाहिए, तो मान लो कि ई इस तरफ है, इसका फोर्थ क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ में क्या होना, सी होना चाहिए, मतलब हमने इमेजिन सही करा, ये ई यहां पर आएगा, और अब आखिरी क्या बचता है, हम यहां से देख के यहां पर लिख लेंगे क्या बचता है यहां पर हमारे पास आखिरी में, ये के, सबको हमने लगा के के रह गया था, तो ये के को हमने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।